डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने 2D का एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। और 2D में जो मेन कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैं स्टार्ट करूँ सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये जो चार मेन कॉन्सेप्ट है और इनसे जुड़े जो सवाल आते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है, और वो रोल होता है किसका? टेंजेंट का। किसी बिंदु पी एक्स वन वाई वन से उस कर्व पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। तो मैं सभी कर्व के लिए अपन एक साथ एक ही मेथड से टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड करें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, बीच में छोड़े नहीं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान देना, मैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका सर्कल। देखिए सर्कल के अंदर सबसे पहले क्या है, मेन बात करें हम तो जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला तो आता है कर्व, तो कर्व तो हो गया सर्कल। दूसरा अपने पॉइंट आ गया पी एक्स वन वाई वन। तो जब कर्व अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, और जो कोऑर्डिनेट है वो पी एक्स वन वाई वन है, तो उस केस में इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या बनेगा। यानी टेंजेंट का इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास में एक खास बात याद रहनी चाहिए कि आप एक्स स्क्वायर को तो पुट करेंगे एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को पुट करेंगे वाई वाई वन, टू एक्स को पुट करेंगे एक्स प्लस एक्स वन, और टू वाई को पुट करेंगे y प्लस वाई वन। ये अपना टेंजेंट निकालने का एक बिल्कुल फॉर्मूला है, ध्यान में रख ले इसको, और डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे इसकी बात करें हम सर्कल की, पहला करवे तो इसके लिए आपके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन वाई स्क्वायर की जगह, और ये आपके ए स्क्वायर। ये आपके सर्कल के किसी बिंदु पी एक्स वन वाई वन से टेंजेंट का इक्वेशन बन गया। अगर हमारा कर्व इस फॉर्म में, क्योंकि ये जो सर्कल है इसका सेंटर जीरो जीरो और रेडियस ए है, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर ये इसका केंद्र माइनस जी माइनस एफ और त्रिज्या रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो, तो उस केस में इसका जो वृत्त का मानक समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये वृत्त का व्यापक समीकरण है, जहां वृत्त का केंद्र तो हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ, और त्रिज्या हो जाएगी इसकी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ये वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित बात कर रहा हूं मैं। अब ये तो वृत्त हुआ ऐसा, लेकिन मैं बात कर रहा था इसकी स्पर्श रेखा। तो मैंने बताया था एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर मतलब वाई वन, टू एक्स तो जी बाहर ले लें, और टू एक्स का मतलब मैंने बताया था एक्स प्लस एक्स वन, और टू एफ वाई तो ये टू एफ को मैं एफ बाहर ले लूँ, और टू वाई को लिख देता हूँ वाई प्लस वाई वन, और ये प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये आपके वृत्त के व्यापक समीकरण की स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो ये आपके वृत्त की दोनों स्थितियों में स्पर्श रेखा का समीकरण आपके हो गया। अब मैं अगर पैराबोला की बात करूं, ठीक है, तो पैराबोला इट मीन्स ये आपको पता है, ये आपका पैराबोला मानक रूप में मैंने ये मान लिया, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये इसका एल एस एल डेज नाभिलंब, और ये इसकी नाभि ए जीरो, ये एक्स इक्वल टू माइनस ए इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है, अक्ष इसका एक्सेट हो जाएगा। तो इस केस में पैराबोला का जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू और एक्स। अब इसमें टेंजेंट की बात करूं तो मैं इसको लिख देता हूं वाई स्क्वायर इक्वल टू टू ए और ये टू एक्स, तो ये टेंजेंट क्या बन जाएगी, वाई तो हो जाएगा आपके, मतलब वाई स्क्वायर तो वाई वाई वन, और ये 2a और 2x को क्या लिखना था x प्लस एक्स वन, तो ये आपके x प्लस एक्स वन। ये आपके बिंदु x1 y1 पर पैराबोला की किसी स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अगर हम बात करें इलिप्स की, तो देखिए इलिप्स हमारा ये रहा,
ठीक है, जिसका दीर्घ अक्ष आपका एक्स अक्ष है और लघु अक्ष जो है वाई अक्ष है। तो उस केस में आप बात करें तो इसमें जो मानक इक्वेशन इसका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, और उस केस में बिंदु पी एक्स वन वाई वन से इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बनेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये आपके बिंदु पी एक्स वन वाई वन से स्पर्श रेखा जो दे रखी है इसका इक्वेशन आ जाएगा। ये आपके इलिप्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। फिर बात करूँ मैं अति परवलय की, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये हो गया आपके हाइपरबोला। अब इसके लिए अगर बात करें हम तो पी से एक्स वन वाई वन पी एक्स वन वाई वन से स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बन जाएगा। एक्स एक्स वन इसकी जगह पुट करें एक्स स्क्वायर की जगह, ये आपके ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन पुट करें तो ये वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। बस ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो अब देखिए इसमें आगे स्थिति क्या बनती है। हमने जो पी एक्स वन वाई वन कोऑर्डिनेट लिया था जिससे अपन ने टेंजेंट ड्रॉ की उसका इक्वेशन निकाला, मैं क्या करता हूं इस पी एक्स वन वाई वन की जगह इनके कोऑर्डिनेट लेता हूं, कौन से वाले पैरामेट्रिक जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। जैसे सर्कल है तो ये इसमें एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा बन जाएगा, ये आपका सर्कल ठीक है, और ये आपके थीटा, ये पी और ये एक्स वन वाई वन की जगह आपके ये ए कोस और ए साइन थीटा हो जाएगा। तो उस केस में आपके जो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर की जगह अपन एक्स एक्स वन, तो एक्स एक्स वन यानी कि ए कोस थीटा प्लस वाई और यहाँ पर भी ए साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर बन जाएगा। तो उस केस में आपके ये क्या हो जाएगा एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए, ये आपके थीटा की फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, ऐसे आपको ध्यान में रखना होगा। ये तो हुआ आपके किसके सर्कल के लिए। अब बात करूं मैं पैराबोला के लिए, तो पैराबोला के लिए ध्यान रखना इसमें टी प्राचल यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक्स इक्वल टू टू ए टी एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर और वाई इक्वल टू टू ए टी बन जाता है ठीक है। अब आप क्या करें इसके अंदर जो आपके टेंजेंट बनी थी वाई वाई वन इक्वल टू टू ए इंटू एक्स प्लस एक्स वन, तो आप इसमें क्या करोगे इसमें वाई वन की जगह तो ये वाई और वाई वन की जगह तो हो जाएगा क्या आपके टू ए टी और ये टू ए और एक्स प्लस एक्स वन की जगह क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर। तो उस कंडीशन में ये क्या टू ए से टू ए तो कैंसल और ये आपके वाई टी इक्वल टू टू एक्स प्लस टू ए टी स्क्वायर बन रहा है। बस ये इस तरीके से आप इसका टेंजेंट का इक्वेशन बना सकते हो टी के फॉर्म में ठीक है। ये भी आपके टेंजेंट का, यानी कुल मिलाकर के अगर आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन पता है, सीधी सीधी बात करूं तो पैरामेट्रिक जरूरी नहीं, कोई भी कोऑर्डिनेट हो पी एक्स वन वाई वन की जगह वो जो कुछ देता है, क्वेश्चन में ठीक से देख लेना वो वैल्यू आप यहाँ एक्स एक्स वन वाई वन बताया मैंने एक्स वन वाई वन जगह पुट कर दें। अगर हम इसकी बात करें इलिप्स की ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करना आपको जो आपका इलिप्स बनता है इस इलिप्स के अंदर आपके ये थीटा ये पी और ये आपका एक्स वन वाई वन, अब यहाँ पे एक्स की जगह हो जाता है ए कोस थीटा, वाई स्क्वल टू हो जाएगा बी कोस थीटा ठीक है। बस कुछ नहीं करना, अब आपके इसके अंदर ये जो आपने एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड किया था, आप एक्स वन वाई वन की जगह इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन पुट कर दें ताकि इससे आपके ये एक्स वन वाई वन की जगह इससे आपके टेंजेंट का इक्वेशन थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। यही तो ध्यान रखना है, करना क्या है। अब
अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, हाइपरबोला। और हाइपरबोला बनते ही आपके सेम या फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि यहाँ आपके x इक्वल टू ए sec थीटा और y इक्वल टू भी आ जाएगा बी टेन थीटा। ये इसके पैरामेट्रिक होंगे। आप चाहें तो हाइपरबोलिक भी मिल सकते हैं, a cos हाइपरबोलिक थीटा b sin हाइपरबोलिक थीटा, उसके अंदर भी हो जाएगा। जनरली हम ये यूज करते हैं, हाइपरबोलिक बहुत कम यूज करते हैं, तो भी आपके टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। ये आपके टेंजेंट निकालने का तरीका मैंने बताया इसके लिए, इन चारों कर्व के लिए, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। मेरे हिसाब से 2D के अंदर टेंजेंट का बहुत बड़ा रोल है किसी भी कर्व के लिए। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन निकालना आ गया, मतलब आप कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो पूछा ये तो रहता है, सर हमारे जो कर्व तो है चारों फिक्स है, मैं ले देकर के वो टेंजेंट या नॉर्मल के पीछे पड़ा रहता है। मैं नॉर्मल का पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभिलंब का, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ आ जाएगा कि नॉर्मल में कैसे क्या होता। मैं नॉर्मल का नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, आप चैनल से जरूर जुड़े रहें।